प्यारे बच्चों, मैं सुनील सर स्वागत करता हूं आपकी अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में, जहां हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं अभी। और नंबर सिस्टम में आज हम आगे पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी। तो हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। क्या है डिविजिबिलिटी? यदि बात डिविजिबिलिटी की करें तो कौन सी संख्या किसको डिवाइड करेगी या नहीं करेगी, यानी आपको कोई एक नंबर दिया है और उस नंबर को 3 डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, 2 डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। तो इनके लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल को करते हैं और उनको करने के साथ साथ उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे और जानेंगे और भी बहुत सी जानकारी जो हमको मजबूत बनाएंगी और हमको ज्यादा ट्रिक सिखाएंगे। उन सभी को जानते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाई 2, यानी 2 के लिए क्या रूल है कि कोई संख्या 2 से डिवाइड होती है या नहीं होती। तो हम सबको पता है कोई भी संख्या जो इवन हो, जो कैसी हो, सम संख्या हो, वो 2 से डिवाइड होती है। अब सम संख्या क्या है? सम संख्या वो है जिसके लास्ट का प्लेस क्या हो, 0, 2, 4, 6 या 8, इसमें से कुछ हो, है ना। इसमें से कुछ भी हो तो वो क्या होगी, वो 2 से कटेगी। तो हमने देखा कि 2 के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट डिजिट। बिल्कुल, लास्ट डिजिट, अंतिम अंक देखते हैं। तो जैसे यहां एक एग्जांपल दिया है, ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, तो हमें क्या देखना है, बिल्कुल लास्ट का अंक। लास्ट का अंक यदि 2 से कट रहा है तो संख्या 2 से कटेगी, और लास्ट का अंक 2 से नहीं कट रहा है तो संख्या 2 से नहीं कटेगी, या फिर लास्ट का अंक 0 है तो ये संख्या कट जाएगी 2 से, क्योंकि ये कट रहा है। जबकि इस एग्जांपल में देखेंगे तो यहां पर क्या है, 5 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 2 से नहीं कटता है। बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान है। लेकिन ये एक शुरुआत है दूसरी चीजों की, जिनसे हम इनको इसको इसी से हम रिलेट करेंगे अगली चीजों को। तो अब हमें अच्छे से याद रखना है, 2 के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट, बिल्कुल अंतिम अंक देखते हैं, लास्ट डिजिट देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट है 4, डिविजिबिलिटी बाय 4। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, इसके लिए क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं लास्ट की 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक। 2 के लिए क्या देखते थे, अंतिम 1 अंक, और 4 के लिए क्या देखेंगे, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो ठीक, वरना वो संख्या 4 से नहीं कटेगी। आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल से हम नंबर लेते हैं, ये नंबर जो हमको दिया है, ये 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, बस ये अंतिम 2 अंक उठाएंगे, 48। ये 4 से कटता है, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8 कटता है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो क्या देखा हमने, केवल लास्ट के 2 डिजिट, किसके लिए, 4 के लिए। अब ये संख्या है नेक्स्ट नंबर, इसमें लास्ट में क्या है, 82। अब ये 4 से डिविजिबल है नहीं है, 4 से अगर हम इसको काटेंगे तो नहीं कटेगा, 4 दुनिया 8, 2, अब 2 नहीं कटेगा, शेष बच गए, तो क्या बच गए, शेष बच गए कितने, 2। तो 4 के लिए हमने क्या किया, लास्ट 2 डिजिट्स देखिए हमने, है ना। अब बच्चों यहां पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि शेष क्या बचेगा, जैसे कोई संख्या नहीं कट रही है, अगर कोई संख्या नहीं कट रही है तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा, जो शेष अंतिम 2 अंकों में बचेगा वही शेष पूरे में भी बचेगा। लास्ट 2 डिजिट में जो भी आपका रिमाइंडर होगा वही पूरी संख्या में भी होगा। जैसे यहां 82 है तो 2 रिमाइंडर है, तो पूरी संख्या में जब हम पूरे नंबर में भी भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचने वाला है, 2 ही बचने वाला है। जैसे मैंने लिखा 5, 8, 7, 3, 6, 3, ये लिखा है, इसमें हम 4 से भाग करेंगे, क्या ये 4 से कटेगी,
संख्या हमने अंतिम दो अंक देखे 63 नहीं घट रही, तो शेष क्या बचेगा? हम इस पूरी संख्या में यदि 4 का भाग लगाएंगे तो शेष क्या बचेगा? जो शेष अंतिम दो अंकों में बचेगा वही, और अंतिम दो अंकों में क्या बचेगा? 15, 14, 60, तो 3 शेष बचेंगे, 3 शेष। पूरी संख्या में भी क्या शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर है, आगे देखते हैं। 8 के लिए क्या करना है? डिविजिबिलिटी बाई 8 हम चेक करते हैं अंतिम 3 अंकों से। किससे चेक करते हैं बच्चों? अंतिम 3 अंकों से, लास्ट 3 डिजिट से। तो बड़ा सिंपल था, 2 के लिए अंतिम 1 अंक देखते हैं, 4 के लिए अंतिम 2 अंक देखते हैं, 8 के लिए अंतिम 3 अंक देखते हैं। तो सिंपल सा है, आगे 16 के लिए अंतिम 4 अंक देखते होंगे, है ना, क्योंकि 2 को क्या लिखते हैं हम? 2 की पावर 1, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो यहाँ 4 अंक देखेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। खैर, इसकी बात हम अभी करेंगे बाद में, फिलहाल इसको देखते हैं। तो 8 के लिए क्या चेक करना है हमको? अंतिम के 3 अंक चेक करने हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, संख्या आपके सामने है 953360। अब इतनी बड़ी संख्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए हमको क्या चेक करना है? अंतिम 3 अंक जो कितने हैं, 360। इसको 8 से डिवाइड करके देख लेंगे, 8 4 32, 8 4 32, 4 0, 8 5 40। ठीक है, ये कट गई पूरी संख्या, तो ये डिविजिबल है। कंप्लीट में भाग नहीं दिया, केवल किस में भाग दिया है? 360 में। अच्छा, ये वाले भाग करेंगे तो इसमें भी अंतिम 3 में भाग करेंगे, अंतिम 3 में 4 एकम 4, लेकिन 4 6 16 और 4 5 20, तो नहीं कटेगा, अंत में नहीं कटेगा। इस पूरी संख्या में अंतिम के 3 अंक हमने लिए, अंतिम के 3 अंक है हमारे 418, ये नहीं कट रहे हैं, तो ये संख्या भी पूरी नहीं कटेगी। जो पूरी संख्या हमारी 418 थी, ये 8 से नहीं कटेगी। ठीक है जी। अच्छा, शेष क्या बचेगा? जो शेष इसमें बचेगा वही पूरे में भी बचेगा, 8 5 40 बचा 1। अब 8 2 16, 2 शेष बचे। पूरी संख्या में भी क्या शेष बचेगा? पूरी संख्या में भी 2 ही शेष बचेंगे। बस इस तरह से चीजें आपको याद रखनी है। आगे ये चीजें और पूछी जाती है, कई बार सिर्फ ऐसा पूछ लिया जाता है कि 16 के लिए क्या चेक करते हैं, तो 16 के लिए हम क्या चेक करते हैं? अंतिम के 3 अंक चेक करते हैं, यानी कोई सॉरी अंतिम के 4 अंक चेक करेंगे। जैसे मैंने कहा 16 के लिए, 16 के लिए क्या चेक करना है? अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 ये चेक करने होंगे। हालांकि क्वेश्चन चेक करने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ ऐसे पूछने के लिए आ जाते हैं कि 4। अच्छा, अगर और ज्यादा वैल्यू करे हो तो 16, फिर 16 दूनी कितने होते हैं? 32। ये 32 कितना होता है? 2 की घात 5 होता है। इसके लिए क्या करेंगे? अंतिम के 5 अंक देखेंगे। ये सब एक कैटेगरी में हो गए, 2 वाले। ठीक है, तो ये चीजें समझने के लिए थी। 32 के लिए अंतिम के 5 अंक देखेंगे, 16 के लिए अंतिम के 4 अंक देखेंगे। जो अंतिम अंकों में शेष बचेगा वही पूरी भाग में भी शेष बचेगा। चीजें क्लियर है? ठीक है, तो ये क्लियर है। आप इसको पर कमेंट करते रहिए और लाइक कीजिए यदि आपको अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 का डिविजिबिलिटी आया। 3 के डिविजिबिलिटी में जैसे हमने 3 है तो जो रूल 3 का होगा उसी सिमिलर उसी तरह 9 का होगा, उसी तरह 27 का होगा। जैसे पहले 2 8 4 8 सिमिलर थे, इसी तरह ये चीजें भी सिमिलर होंगी। तो आइए देखते हैं 3 के लिए रूल। 3 के लिए रूल सिंपल है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। यदि इसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगी, कोई भी संख्या हो। जैसे
एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है यहाँ पर 592482। ये तीन से कटेगी नहीं, अंकों का योग करेंगे हम। 5 और 9 14, 2 16 20, 28 और ये 30, टोटल 30 हो गए। 30 तीन से कटता है, अच्छा या तो आपको पता है नहीं तो फिर से जोड़ लो, 3 और 0 3, 3 तो 3 से कटता है ना, तो ये संख्या 3 से कटती है इसलिए ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। एक और एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, दूसरा एग्जांपल जो यहाँ इसी से हम ले कर लेते हैं, 864329। क्या ये 3 से डिविजिबल है, इसके भी अंकों का योग करेंगे, 8 6 14 18 और 21, 22 23 और 9 32। 32 कटता है 3 से, नहीं पता है, नहीं पता तो इन अंकों को फिर से जोड़ लो, 3 और 2 3 और 2 5, 5 कटता है, नहीं कटता है तो ये संख्या भी नहीं कटेगी, 5 नहीं कटता है 3 से तो ये संख्या भी नहीं कटेगी 3 से। अच्छा इस संख्या में शेष क्या बचेगा अगर 3 से भाग दें, तो 5 में भाग दे के देख लीजिए, 32 में तो 2 शेष, तो 2 शेष बचेगा, ये भी याद रखते हैं, कुछ इस तरह की चीजें भी हम याद रख सकते हैं, है ना, कि शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। अब इसको और किस तरह से हम फटाफट कर सकते हैं, आओ एक नजर और देखते हैं इन चीजों को, किस तरह से हम इनको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था, ये 3 से कटेगा या नहीं, कभी कभी जल्दी जल्दी से जोड़ नहीं होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हर एक अंक को काट सकते हैं, जैसे ये बड़ी सी संख्या थी 1, तो 9 तो कट गया ना 3 से, 9 3 से कट गया। अब 5 बाकी चीजें जोड़ लेते हैं, कुछ बीच में समझ में आए तो वो भी कर सकते हैं, जैसे 4 और 2 6 6, 3 से कट गया, 6 भी क्या हो गया 3 से कट गया, 8 और 2 10 और 5 15, तो 15 3 से कट जाएगा, इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं। तो यदि लास्ट तक सब कुछ कट गया तो कट गया, और वरना नहीं। एक बार फिर से समझते हैं, हमने 9 काट दिया, 2 और 4 6 काट लिए, 3 से कटते हैं, 8 और 2 10 और 5 15, कट गई तो ये संख्या भी कट गई। जैसे यहाँ देखते हैं, 3 से 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 4 और 2 6 कट जाएंगे, 8 तो बच गए ना, ये नहीं कटे ना, अब ये नहीं कटे तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, तो ये चीज क्लियर हो गई, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। ऐसा ही रूल लाइन का भी है, उसे भी हम एक बार देखते हैं कि लाइन के लिए क्या रूल है। पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3, दोनों में से कौन सा 3 से डिविजिबल है। अब सम कर लीजिए, या जो मैंने तरीका बताया वो भी आप कर सकते हैं, देखते हैं कौन सा डिविजिबल है, फटाफट टिक कीजिए कि कौन सा डिविजिबल है कौन सा डिविजिबल नहीं है आपकी नजर में, करते हैं बच्चों। तो मैंने सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिया, पहला ऑप्शन 5 और 4 9, 9 तो कटता है ना, कट गया जी, 3 कट गया, 6 कट गया, 2 और 1 3, ये भी कट गए, तो सब कट गए, यानी कि ये 3 से कट जाएगा, हमें जोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्लियर है ना। फिर से देखेंगे, 5 और 4 9 कट गया तो यही छोड़ दिया हमने, कट गया, यह 3 और 6 मुझको दिख रहे हैं ये तो कटते ही है, 2 और 1 3, ये भी कट गए, सब कुछ कट गया, तो ये संख्या 3 से डिविजिबल है। इसको देखते हैं, 9 और 6 तो कट गए, ठीक है, 7 5 और 7, 5 7 12, 12 भी कट गया और 3 भी कट गया, 1 बच गया, नहीं कटा तो ये संख्या नहीं कटेगी। और इसमें अगर शेष की बात करें तो शेष भी इसमें 1 ही बचने वाला है, अगर हम 3 की भाग करेंगे तो। बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 9। तो 9 बिल्कुल सिमिलर है जैसे 3 के लिए था, वहां एक छोटी संख्या थी 3, यहाँ बड़ी संख्या हो गई 9। तो डिविजिबिलिटी बाय 9, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, यदि अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वह संख्या भी 9 से कटेगी।
जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया, ये संख्या ली पहले 60732, इसे काट लेते हैं 9 से। अब एक तो आप योग कर सकते हैं, 6 और 7 13, 3 16 और 2 18, 18 कटता है 9 से, नहीं कटता देख लेते हैं, 8 और 1 9 कट रहा है जी। फिर से जोड़ सकते हैं जब भी नहीं पता है, तो 9 कट रहा है तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। और क्या देख सकते हैं, ये देखिए 6 और 3 मिलके कट गए 9 से, 7 और 2 9 हो गए ना, तो सब कुछ कट रहा है, ये वैल्यू 9 से कट गई। एक और 68956, ये कटेगी नहीं कटेगी इसे भी देख लेते हैं, या तो योग कर लेंगे हम, और वरना जो चेक करने का अलग अलग चेक करने का तरीका जो है, जैसे 9 चेक कर लिया ये सबसे अच्छा है, तो 9 तो कट गया ठीक है जी, 9 कट गया। अब क्या बचा, 6 और 8 14 और 5 19 और 6 25, कितना आ रहा है 25, बचे हुए का योग कितना है 25, 25 9 से कटता है नहीं कटता जी, बिल्कुल नहीं कटता। और देख लो 5 और 2 7 कटता है ना, नहीं कटता है, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। अब जब संख्या 9 से नहीं कटेगी तो संख्या में भाग होगा तो शेष क्या बचेगा, यही बचेगा जी शेष जो यहाँ पर बचा है 7। तो ये चीज क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल तीन जैसे रूल है, किस किस का, जैसा 3 का है ऐसा ही 9 का ऐसा ही 27 का। अब वो हमसे पूछ ले कि 27 के लिए हमको क्या देखना है, तो अंकों का योग, क्योंकि वो सब एक ही कैटेगरी में है ना। खैर आगे क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट लिस्ट वैल्यू मस्ट बी असाइन टू स्टार सो दैट द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 9, यानी ये एक 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा देखते हैं। 197*5462 ये है। अब एक तो अंकों का योग कर लें, ये अंकों का योग ना करें तो बेहतरीन तरीका ये है, 9 तो कट गया 4 और 5 9, ये 2 कट गए, और क्या बचा 6 और 7, बचा क्या 6 और 2 8 और 7 और 1 8, 8 8 कितने हो गए 16 हो गए, 16 हो गए। 16 में क्या जोड़े, यानी यहां पर क्या अंक रखेगी ये 9 से कट जाए जी, 16 के पास क्या रख सकते हैं, 9 2 18, तो 18 बनाने के लिए 2 रख सकते हैं यदि, और वरना हम क्या कर सकते हैं 6 और 1 7, 7 में क्या रखें 9 बनाने के लिए 2 रखें, 2 ही रखना पड़ेगा, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा 2 आएगा। तो ये वैल्यू आपको अच्छे से समझ में आ गई, ये चीजें समझ में आ गई, ऐसे ही वो स्टार वाले क्वेश्चन दे देता है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, आप इसको कीजिए 587*326, स्टार के स्थान पर क्या आएगा कि संख्या 9 से डिवाइड हो जाए, बताइए, या तो जोड़ लीजिए या इस तरह से कट करने वाले तरीके से भी कर सकते हैं, तो क्या आएगा स्टार के स्थान पर देखते हैं। 6 और 3 9 कट गए, 2 और 7 9 ये भी कट गए, 8 और 5 13 13 तो नहीं कट रहा है, अच्छा जी 13 नहीं कट रहा है, और देख लेते हैं इसे, तो स्टार के स्थान पर कुछ ऐसा रखना होगा, यहीं से चेक कर ले वरना 3 और 1 4, तो क्या रखें स्टार के स्थान पर 9 बनाने के लिए 5 ना, तो स्टार के स्थान पर क्या रखेंगे 5, तो यहां क्या आ जाएगा आंसर 5, ये ही रखा जाएगा, इसमें 2 आया था आंसर और इसमें 5 आया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई है, और देखते हैं ऐसे ही अगर पूछे 27 के लिए क्या चेक करते हैं, तो अंकों का योग चेक करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6, 6 के लिए क्या रूल है। अब 6
अभी तक जो हमारे प्राइम नंबर है उनके लिए रूल है, जो नॉन प्राइम है उनके लिए रूल बनेंगे। किस तरह से बनेंगे? जैसे 6 के लिए रूल है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, किससे? 2 एंड 3 बोथ दोनों से कट रही है, 2 या 3 दोनों से कटेगी, वह क्या होगी? वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। 2 और 3 अच्छे से याद रखने हैं, 6 के फैक्टर होता है 2 × 3, ये होता है ना 6। और कैसे हो सकता है? एक बार डेफिनेशन ही पूछ ली थी कि 6 से कटने का क्या नियम है, तो ऑप्शन क्या था? जो करेक्ट ऑप्शन था, 3 से कटने वाली सम संख्या, 3 से कटने वाली सम संख्या, क्योंकि सम संख्या हो गई तो 2 से तो कट गई और 3 और चेक कर लिया, तो बस 3 कर लो और सम संख्या होनी चाहिए। जैसे हमने यहां पे नंबर लिया 1, 3, 5, 2, 5, 6 ये है। तो अब सबसे पहले देखेंगे कि सम है, हाँ जी सम है, तो 3 से और देख लेते हैं। 3 से ये कट गया, 5 और 5, 10 और 2, 12, 12 भी 3 से कट जाएगा, क्योंकि 2 और 1, 3 होते हैं ना, तो 12 3 से कट जाएगा। तो ये संख्या क्या है? ये वाली संख्या 3 से डिविजिबल है। तो ये चीजें समझ में आ गई अच्छे से। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लेते हैं, 2, 8, 6, 5, ये 6 से कटेगा नहीं कटेगा देखते हैं। तो ये 2 से तो नहीं कट रहा है, ठीक है 2 से नहीं कट रहा है, लेकिन 8 और 2, 10 और 3 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है ये तो किसी से भी नहीं कट रहा है, तो 6 से भी नहीं कटेगा। अच्छा यहां पर कुछ और होता, जैसे सपोज यहां पर 1 और लिखा होता, आठ और दो 10, 6, 16, अच्छा 3 से कट रहा है, तीन से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, लेकिन हमें तो दोनों चाहिए तभी कटा हुआ मानेंगे वरना नहीं मानेंगे, तो ये 6 से नहीं कटेगा। सही था क्वेश्चन? तो ये चीजें क्लियर है, ये 6 का रूल हो गया। आगे देखते हैं 5, 5 के लिए बड़ा आसान है, जो हमारा अंतिम अंक है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 हो या फिर 5 हो, ठीक है अंतिम अंक या तो 0 या तो 5, बड़ा आसान है कोई पूछेगा भी नहीं, है ना। 10, 10 के लिए क्या रूल है कि हमारा जो अंतिम अंक है वो 0 होना चाहिए, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0, तभी 10 से डिविजिबल है। कौन